दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेज सो वेरी गुड इवनिंग गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल फिनवेस्ट उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग टेस्ट से जा रहे होंगे अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में और अपने लिए सही लेवल चुनने में तो निफ्टी की बात करें निफ्टी जो है ज़्यादातर एक तीन पैटर्न आपको शो कर रहा है एक तो ये वी वाला एक ये समझ कर रहा है उल्टा वाला यू और एक जो आपका शो कर रहा है वो ये वाला पैटर्न शो कर रहा है तो कल के लिए क्या पैटर्न हो सकते हैं क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकती जब भी निफ्टी जो है ऐसे पैटर्न्स में अपना जो है जैसे इसने क्या करा लास्ट के जो पहले तो ये बहुत ज़्यादा ही डाउन आया प्रीवियस मार्केट की बात कर रहा हूँ जैसे तो फिलहाल तो जो चार्ट की कंडीशन है यानी कि जो चार्ट इंडिकेट कर रहा है उसके हिसाब से जो निफ्टी है यहाँ पे जो है अप ट्रेंड में जा रहा था तो हो सकता है कल ये गैप ओपन होके फिर से एक ये जो है बुलिश पैटर्न आपको दिखाए न्यूट्रल बुलिश यानी कि ज़्यादा अप डाउन नहीं। दूसरा हो सकता है ये जो है फ्लैट मार्केट पे चलने लगे या और आखिर में डाउन आ जाए ये कंडीशन भी पॉसिबल है। और तीसरी कंडीशन मुझे फिर से लग रही है कि ये जो इसने पैटर्न शो किया ये दोबारा से ये पैटर्न शो करे या तो हो सकता है यू में शो करे या तो हो सकता है वी में शो करे बट शो करे फ्लैट क्लोजिंग की हमें ज़्यादा उम्मीद है। बाकी मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको सब कुछ अपलोड मैं सारे जो स्टॉक्स के लेवल अपलोड करूंगा उसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगा निफ्टी क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है उसकी पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है या नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए मैं टेलीग्राम चैनल पर जो लेवल अपलोड करता हूँ उसके जो लेवल वो चेंज भी कर देता हूं अगर स्टॉक जो है गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो उसकी भी दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है बस आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है। खाली जो हमारा HAL था वो हमारा जो था गैप ओपन हो गया था उसके कारण मैंने अपना लेवल जो है चेंज कर दिया था। अगर आपको यहां पे दिख रहा होगा हमारा जो पहला लेवल था वो था 1030 पे बाय करना था 1021 पे शॉर्ट करना था लेकिन इसकी ओपनिंग ही एग्जैक्ट 1030 पे हो गई थी तो मैंने इसका लेवल चेंज करके 1033 पे बाइंग कर दी थी 1022 पे शॉर्ट सेलिंग कर दी थी। ये आपको चेक करना पड़ता है 915 पे एग्जैक्ट जो है अगर लेवल में चेंजेस अगर आपको गैप अप दिखाए कोई लेवल तो उसे मैं चेंज करूंगा थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि जो मैं WhatsApp पे पहले लेवल चेंज कर देता हूँ जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका पहले मैं लेवल चेंज करता हूँ WhatsApp पे अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं स्विंग ट्रेड के लिए प्लस हमारे इंट्राडे लेवल्स के लिए डेली इंट्राडे लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ प्लस स्विंग ट्रेड के लेवल्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। स्विंग ट्रेड का भी मैंने जो लेवल लेटेस्ट लेवल दिया था उसका भी मैं रिव्यू करूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। पॉलीमेड है पॉलीमेड देखिए पॉलीमेड का क्या रिजल्ट रहा है ये भी हम देख लेते हैं। तो चार्ट आपको पॉलीमेड का खुला हुआ दिख गया होगा यहाँ पे आपको एक एरो भी दिख रहा होगा ये एरो जनरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमें इसे शॉर्ट सेल करके चलना था जो इसकी प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही होगी शॉर्ट सेलिंग प्राइस थी 900 की वही एरो मैंने यहाँ पे प्लेस किया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसे थोड़ा नीचे करूँ 900 पे हमें शॉर्ट करके चलना था इसने अपना लो बनाया है 872 का इसने अपना लो बनाया आप चेक कर सकते हैं इसको 900 पे शॉर्ट करके चलना था 872 का इसने लो बनाया लगभग लगभग 30 पॉइंट्स आपके कहीं नहीं गए थे 28-30 पॉइंट्स शॉर्ट सेलिंग में खाली शॉर्ट सेलिंग में। अगला स्टॉक की मैं बात करूँ टाटा कम्युनिकेशंस का अगर लेवल हम यहाँ टेलीग्राम चैनल पर देखें तो ये था 1278 पे बाइंग थी 1265 पे इसकी शॉर्ट सेलिंग थी 1283 का फर्स्ट टारगेट प्राइस था। अब मैं कुछ रूल्स आपको बता दूँ जब भी आपका पहला टारगेट प्राइस अचीव होगा तो आप क्या करेंगे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे सीधा फर्स्ट टारगेट प्राइस में कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो आपको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है फर्स्ट टारगेट प्राइस पे चाहे वो स्टॉक जो है वहां से मूवमेंट देना बंद कर दे चाहे कुछ भी हो लेकिन आपको सबसे पहली कंडीशन है जैसे ही फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव होगा आपको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है फर्स्ट टारगेट प्राइस पे ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है उसके बाद सेकंड टारगेट प्राइस उसके बाद थर्ड टारगेट प्राइस पे ऐसे करके आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करते करते आगे बढ़ना है। फर्स्ट टारगेट प्राइस पे स्टॉप लॉस शिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है मैं आपको रीजन समझाऊंगा। अब मैं यहाँ पे देखो टाटा कम्युनिकेशंस का यहाँ पे एरो दिख रहा होगा आपका बाइंग का ये लेवल जो है यहाँ पे हमें बाय करके चलना था इसने हमारा खाली फर्स्ट ही टारगेट अचीव किया था। अब स्टॉप लॉस जिसने शिफ्ट किया होगा इसने अपना हाई बनाया है लगभग 84 का स्टॉप लॉस जिसने शिफ्ट किया होगा उसको रिवर्सल के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब स्टॉक रिवर्सल मारता है तो हमारा जो टारगेट प्राइस में आपने स्टॉप लॉस शिफ्ट किया होगा वो आपका काम आता है तो ऐसे टाइम पे ही आपका स्टॉप लॉस काम आता है तो आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट करना बहुत जरूरी है आपको रीजन आपको यहाँ पे मिल गया। बाकी बाई साइड में हमारा एक ही टारगेट प्राइस अचीव हुआ है शॉर्ट सेलिंग साइड हमें शॉर्ट सेल करके चलना था 1265 पे इसने अपना लो बनाया है 1198 या 1197 समथिंग का तो बहुत ज़्यादा ही नीचे ये चले गया था शॉर्ट सेलिंग की साइड उसके बाद ऊपर भी आया बट नीचे जाते समय आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये दे के चले गया होगा। अभी मैं खाली उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको दिए थे टेलीग्राम जो स्टॉक्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए थे बाकी
मिड कैप के स्टॉक्स में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करता हूँ, जिनमें सेम रिजल्ट आपको मिलता है, परसेंट का रिजल्ट, 2% to 3% का रिजल्ट आपको मिल जाता है, कभी कभी 5% भी मिल जाता है, क्योंकि स्टॉक छोटे रहते हैं, मिड कैप के स्टॉक्स रहते हैं, पर प्रॉफिट आपका ज़्यादा होता है। मिनिमम 1000 रुपीज का प्रॉफिट आपका डेली का होता ही है। टेलीग्राम चैनल पर मैं स्क्रीनशॉट भी अपलोड करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं मिड कैप के स्टॉक्स के लिए प्लस स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स के लिए, तो आप हिंदुस्तान एरोनॉट्स में यानी कि HAL जिसे मैं बोल रहा था, उसमें हमने आपको शॉर्ट सेलिंग का लेवल दिया था, एग्जैक्टली 22 पे मैंने चेंज कर दिया था। मैंने आपको बताया था ना कि मैं लेवल चेंज कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 9:10 पे मैंने इसका लेवल चेंज किया था, तो 1022 पे इसे अब हमें शॉर्ट करके चलना था। फर्स्ट टारगेट प्राइस था 16, सेकंड टारगेट प्राइस था 8 और लास्ट टारगेट प्राइस था 1000 का, तो 22 पॉइंट्स का मैंने इसका टोटल आपको अर्निंग रखी थी। तो इसने अपना लास्ट टारगेट प्राइस देखे 1000 के नीचे, एक दो पॉइंट ही जिसने नीचे बनाया, बाकी 1000 तक ये गया, तो हमारे शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे। लेवल था स्विंग ट्रेड का लेवल था, मैं आपको इसको 15 मिनट के चार्ट में दिखाऊंगा, वहां से आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। इसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी अपलोड किया था, मैंने इसकी बाइंग रखी थी 53 पे, 9 जून 2021 को मैंने ये लेवल्स आपको अपलोड किया था स्विंग ट्रेड का, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स थे। स्विंग ट्रेड का लेवल यहाँ पे अपलोड हुआ था, यहाँ पे इसने बाइंग करी और जो है इसने 17 जून को इसने अपना फर्स्ट टारगेट प्राइस 62 का फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव कर लिया था। तो मैं क्या कहता हूँ कि इसमें मैं सिर्फ कुछ ही मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो देता हूँ, बट फर्स्ट टारगेट प्राइस में मेन फोकस रखता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेड है तो इसमें फर्स्ट टारगेट प्राइस भी इतना रहता है कि आपका अच्छा खासा अर्निंग हो जाए। अब देखिए ये स्मॉल कैप का स्टॉक था, स्मॉल कैप के स्टॉक होने के कारण इसमें आपको 10 पॉइंट्स का मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट देके जा सकता था। 1000 शेयर्स इजीली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, 10 पॉइंट्स यानी कि 10,000 का प्रॉफिट स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंगली इसमें आपको इजीली हो जाता। माधुरी स्पेशलिटी में हमारी स्विंग ट्रेड की जो कॉल थी उसका मैंने आपको रिपोर्ट बताया, बाकी जब मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा जो स्विंग ट्रेड की कॉल मैंने अब दी है वो भी मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा। बाकी आप हमारे साथ स्विंग ट्रेड के लिए ज्वाइन हो जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। सेकंड थिंग, इंट्राडे के लिए मिड कैप का स्टॉक चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करते हैं मॉर्निंग में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जो लेवल्स हैं जो मैं प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो वो मैं आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड करूँगा, प्लस उसके लेवल भी चेंज कर दूंगा अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना लेवल चेंज कर दूंगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि स्टॉक अगर गैप अप ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, वो सब चीज़ मैं आपको फिक्स करके दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।